So hey everyone, welcome back to the channel and welcome back to another vlog. So almost सारे काम हो गए and अभी लगभग 9-10 भी हो रहे तो हम लोग जल्दी से सो जाते हैं. एंड मैं कभी और सोचता हूँ अगर हम लोग पूरे ईयर के लिए ऐसे ही कंसिस्टेंट रहे तो हमारे अंदर कितने सारे चेंजेस आ गए होंगे, हम लोग कितने अच्छे लेवल पे ग्रो कर लिए होंगे, हमारे हैबिट्स कितने स्ट्रांग हो गए होंगे. फिर तो हमें ऑल इंडिया ख्याली पुलाव कम पकाते और जल्दी से सो जाते. So, आज है डे 19 ऑफ आवर 21 डे अर्ली वॉकअप चैलेंज जहाँ हम सुबह के 3 बजे उठ रहे हैं. एंड गाइस आप लोगों को एक बात बोलूँ, स्टार्टिंग में ना मुझे उठने में ना इतने प्रॉब्लम होते थे, लाइक उठने का मन नहीं कर रहा है, बार बार अलार्म को स्नूज कर रहा हूँ. बट अभी मैं उतना ईजिली उठ पाता हूँ वो भी फुल एनर्जी के साथ. एंड थैंक गॉड कि उस समय मैं अपनी बात सुन के अपने आप को कन्विंस करके उठ पाता था. अगर उस समय मैं अपने मन की बात सुन के ना सो जाता ना तो बिलीव मी कभी ये हैबिट बन ही नहीं पाता, कभी ये हैबिट मेरा बॉडी अडॉप्ट कर ही नहीं पाता. तो इसलिए अगर आप इसे उठने का ट्राई कर रहे हो ना तो देखो बस स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप खुद को कन्विंस करके उठाते जाओगे ना वैसे वैसे आपका बॉडी वो हैबिट अडॉप्ट करते जाएगा, फिर आप भी इजीली उठ पाओगे. तो चलो बातचीत तो होती रहेगी, अभी अपना स्टडी स्टार्ट करते. तो आज हम करने वाले लॉ की रीडिंग, फिर लॉ की 2 क्लास लेंगे, फिर मैथ्स का चैप्टर 4 टीवीएम का ए बी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे, फिर चैप्टर 15 यूनिट 1 का सेट सी प्रैक्टिस करेंगे, फिर यूनिट 2 का 2 क्लास लेंगे एंड देन अकाउंट्स का 2 क्लास लेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. और अगर आप लोग ये 21 डे की सीरीज स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हो तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होंगे कि ये 21 डे चैलेंज में मैं सबसे ज़्यादा करके लॉ, अकाउंट्स और मैथ्स पर ही फोकस कर रहा हूँ. तो इसका कोई बड़ा रीज़न नहीं है, जब मैं 21 डे चैलेंज ले रहा था ना तभी मैंने 3 वीक के टारगेट्स बना लिए थे एंड उसी को डेज में डिवाइड कर करके मैं कंप्लीट कर रहा था. क्योंकि ये चीज़ बहुत अच्छे से वर्क करती है, जब आप वीकली टारगेट्स बना लेते हो तो आपको सोचना नहीं पड़ता क्या करना क्या नहीं, आपको पता रहता है कि हाँ इस वीक में मुझे ये टारगेट्स अचीव करना है, तो आप उसे करते भी हो एंड करने बाद अच्छा खासा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है. एंड 6:30 तक मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट करके कॉलेज के लिए निकल जाता हूँ. ब्लॉग एडिट करके रखा था तो उसमें एक्सपोर्ट कर लेता हूँ एंड देन कॉलेज के लेक्चर अटेंड करने के बाद मैं लाइब्रेरी आ जाता हूँ अपने अकाउंट की क्लास लेने. एंड गाइस आई एम सो सॉरी कि मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम टू टाइम वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, क्योंकि इस अगस्त के मंथ में ना मैंने अपने लिए कुछ ज़्यादा ही टारगेट्स बना लिया हूँ एंड उसे कंप्लीट करते करते ना पूरा टाइम चले जाता है. एंड ऊपर से बाहुबली टीम के एक एक टीचर्स भी रिजाइन कर रहे हैं, वो अलग सीन चल रहा है. PM तक हमारी क्लास खत्म हो जाती है, फिर मैं घर के लिए निकल जाता हूँ. पर ये बारिश सुबह से नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे मैं घर के लिए बाहर निकलता हूँ वैसे होना स्टार्ट हो जाता है. चीटिंग करता है तू. एंड देन घर पे आके मैं अपने सारे छोटे मोटे काम कर लेता हूँ. और फिर YouTube वीडियो की थंबनेल एडिट करके मैं एक छोटा सा नैप ले लेता हूँ. एंड बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप लॉ कैसे करते हो, लॉ के लिए कुछ टिप्स बता दो. सो देखो टिप्स एंड ट्रिक का तो मुझे कोई आइडिया नहीं, बट पर्सनली मैं कैसे लॉ करता हूँ वो मैं आप लोग बताता हूँ. सो सबसे पहले तो मैं लॉ की क्लास लेता हूँ और अगले दिन दूसरी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैथ जो भी पढ़ा था ना उसे मैं रीड कर लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आज मैंने पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी पे क्लास लिया, तो अगले दिन दूसरी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने आज जो क्लास लिया था ना उससे मैं लाइन टू लाइन रीड कर लूंगा. इससे मेरा एक थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाता है एंड अगले क्लास में क्या होने वाला है वो अच्छे से समझ में भी आता है. मंडे टू फ्राइडे मैं ऐसे ही करता हूँ और सैटरडे संडे को जो मैंने मंडे टू फ्राइडे क्लास लिया था ना उसमें पूरा डिटेल रिविजन कर लेता हूँ. और हाँ जब भी मैं क्लास लेता हूँ ना तो कॉन्सेप्ट को ना छोटे छोटे नोट्स भी बनाते जाऊंगा, छोटे छोटे माइंड मैपिंग भी करते जाऊंगा, ताकि जब मैं थर्ड टाइम रिविजन करूंगा ना तो इतना सब पूरा पढ़ूंगा नहीं, मैं ये सब पॉइंट्स को ही देख के मैं पूरा रिवाइज कर लूंगा. तो कुछ इस टाइप से मैं लॉ कर रहा था, पर मैं एक सबसे बड़ी गलती कर रहा था जो कि मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ा गलती यही है. थैंक गॉड मुझे मेरी गलती टाइम से पहले रियलाइज हो गई एंड वो ये है कि मैं आंसर्स को ना रिटेन नहीं कर रहा था, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहा था. मैं ये सोच चला था कि मैं एक बार सारे क्लास कंप्लीट कर लूंगा, सबकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर लूंगा, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा. और आज मैं करता हूँ इतना बर्डन लगता है ना, इतना सब लगता है कि इतना सब करने का है. अगर वही चीज मैं स्टार्टिंग से ही करते आता तो आज मुझे इतना नहीं करना पड़ता. सो अगर आप भी लॉ की क्लास ले रहे हो मैं आपको थोड़ा सा सजेशन दूंगा कि आप स्टार्टिंग से ही ना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते आना, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो करते आना,
ताकि एंड मोमेंट में आपको पूरा बर्डन ना लगे एंड आप इजीली कर सको। एंड देन उठने के बाद मैं अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता हूँ। एंड 7:30 तक ऑलमोस्ट 70% टारगेट कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ लॉ का एक क्लास रह जाता है एंड मैथ्स का भी क्लास रह जाता है। एंड गाइस, इस क्लास को अभी खत्म करने लगा ना तो बहुत लेट हो जाएंगे, फिर हम लोग जल्दी से सो नहीं पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। एंड देन व्लॉग को अपलोड पर लगा के मैं अपना वर्कआउट सेशन स्टार्ट कर देता हूँ। एंड थोड़ी बहुत वर्कआउट करके आप सभी लोगों के कमेंट्स का एंड मैसेज का रिप्लाई करने लगता हूँ। एंड मम्मा ने चिक्की बनाई थी लेकिन नीचे घी लगाना भूल गई, स्पून टेढ़े हो जा रहे थे लेकिन चिक्की निकलने का नाम नहीं ले रहा था, तो मैं इसे थोड़ा बहुत गर्म कर लेता हूँ एंड देन काम बन जाता है। एंड ये लाइब्रेरी का बुक आज मेरे पास लास्ट डे रहेगा तो इसे भी थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। एंड गाइस, इस ब्लॉग के इधर ही एंड करते हैं। होप्स आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम लोग दूसरे से लर्निंग ले सके और साथ में जर्नी में ग्रो कर सके। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।